को प्यार करता है तुमसे। अरे देख इसको, कब से इंतजार कर रहा है। एलिना भी तुम्हें राह देख रही है। कहीं हम अभिमन्यु बाबू और एलिना के साथ बुरा तो नहीं कर रहे? मगर वो पप्पू सिंह को ऐसे कैसे छोड़ दिया? वो चुप नहीं बैठेगी भैया, उसका दिमाग हम लोगों से ज्यादा चलता है और वो जरूर अभी सोच रही होगी कि हम लोगों के साथ। अरे क्या कर लेगी बे? हाँ चुपचाप बैठ, फालतू का दिमाग मत खराब कर। क्या कर लेगी? हाँ डिंडोरा पीटेगी ना कि वो हमारा बच्चा है, इसमें उसी का बदनामी होगा। अगर ये लड़ाई वो लोग को सजा देने के लिए है तो इसमें नुकसान सबसे तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। बदले का भावना में तू ये बात भूल गई है कि जो आग तुम वो लोगों के लिए लगाओगी तुम भी उसमें जलोगी। हमारा जिंदगी तो बर्बाद होगा ही, मगर आगे जाके किसी और लड़की का जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगा ना। ये बात तो आप भी जानते हैं कि उन्हें क्या हम लोग से हार नहीं मानने वाली। हम तो सोचे थे वो बच्चा वाला बात के बाद वो चुप हो जाएगी। उसको गंभीरता से लेना चाहिए भैया। वो गांव वाला लोग हमसे पूछ रहा था कि उन्हें क्या हवेली का आई थी। हाँ तो क्या हुआ? बोल देता माफी मांगने आई थी। बोल देते मगर वो बाइक के पीछे खड़ा होकर हाथ हिला के गई थी पूरे गांव के सामने। स्टाइल मार रही थी। उसका वो हाल करेंगे ना कि पूरा गांव में लाचार घूमती फिरेगी और हम तमाशा देखेंगे। अरे किसे बदला लेगी और कब तक? जब तक ये बच्चा तुम्हारा पेट में है, जब ये जन्म लेगा तो क्या होगा सोची हो? हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चिमट जाएगा ही। उन लोगों का मंस तुम्हारी जिंदगी का अंश बन जाएगा। नहीं मासी जी, हम अपना न्याय किसी भी हाल में पप्पू सिंह से लेकर रहेंगे। तो चुप बैठ जाए हम हीरोइन कैसे? वैसे आप एक बात तो सही कही, एक बार ही बच्चा का जन्म हो जाएगा फिर सब खेला खत्म। खून भरी मांग फिल्म में भी रेखा जी अपना बच्चा लोग पर किसी का साया नहीं पड़ने दी थी। हमें बदले का भी एक डेडलाइन होना चाहिए। ये बच्चा का जन्म होने से पहले हम हवेली को बर्बाद करेंगे और उसका शुरुआत कल पत्रकार लोग से होगा। तो आज एकदम हल्का नाश्ता, मतलब सिर्फ फल खा के जाना पड़ेगा ऑफिस। कभी कभी कम खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ऑफिस कहाँ जा रहा है? वैसे भी जा रहा होगा वो पत्रकार सम्मेलन में, है ना मासी? हाँ मुंगरीलाल जी बोलिए, क्या खबर है? ओ तो सब पत्रकार लोग से बात हो गया है। हाँ 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 आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए, हम भी पहुँच ही रहे। अरे नहीं नहीं वहाँ तो टुन्ने बाबू है ना सारा इंतजाम के लिए। अच्छा सुनिए, जरा नाश्ता वास्ता का इंतजाम कर दीजिएगा, हमारा घर में तो आज हड़ताल है जी। अब मुंगेरी के सामने भी हमारा मजाक उड़ाएगा? अरे मजाक काम से हम तो वैसे ही। देख टिंकू, तू ना हमारे साथ ये सब होशियारी मत दिखा और जा यहाँ से। अगर हो सके ना तो निमकी को रोक, ये सब ठीक नहीं है। अब क्या फायदा ये सब तमाशा करने से? देख तुम दोनों का शादी होगा, तुम दोनों खुश रहेगा, अब बस और क्या चाहिए? हो गया ना मासी, एक ही बात फिर से हुई। तुम तो बस वो निमकी का बात सुनेगा ना? मासी 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 देखिए, निमकी जी अपना अस्तित्व का बात की इसलिए हम उनका बात सुने। हम चाहते हैं कि निमकी जी जिए तो इज्जत के साथ जिए, सर उठा के जिए, अपमान के साथ नहीं। तुम दोनों का शादी होगा तो कौन कुछ बोलेगा?
आप नहीं समझेंगी मासी, आदमी बाहर नहीं हारता, असल में भीतर हारता है। निम्की जी अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी ना तो भीतर से हार जाएंगी। शिकायत नहीं, अगर हो सके तो निम्की जी को आशीर्वाद दीजिए, जरूरत है उनको। निम्की जी की बड़ी तो अब आप ही है ना। हाँ टुन्ने बाबू, हाँ 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 हम निकल ही रहे हैं। हाँ चलिए चलते हैं हम। निम्की, अरे कहाँ रह गई भाई, कहाँ रह गई, कितना देर लगाएगी है? अरे बाहर पत्रकार लोग आना शुरू हो जाए, गांव वाला लोग पूछ रहे, मुंह का ताक रहे, बुला ना निम्की को। दीदी ड्रेस स्टाइल कर रही है ना, इतने टाइम से सोच ही नहीं पाई कि कहाँ महीना है। बताओ कि ड्रेस स्टाइल चल रहा है, देख रही हो ना बाहर लोग उतावला हो रहा है, ड्रेस क्या कर रहे हो तुमने? तुम आज से जानते हो दीदी को? जानते हैं हम महुआ वहाँ, लेकिन बाहर लोग भी तो पूछ रहा है ना कि क्या बोलने वाली है निम्की। स्माइल चाहू, स्माइल चाहू, हमसे सवाल कर रहे हैं, काम का बहाना लेकर अंदर भागे हैं। इतना उत्साह, पता नहीं बात अच्छा है कि बुरा, कहा जाने, निम्की के बोलने के बाद में पता चलेगा। निम्की ई वाला ड्रेस फाइनल? हाँ। इतना टाइम लेने के बाद ई वाला ड्रेस? दीदी पांच बार बदलने के बाद ई वाले का किस्मत कहे जाएगा? तुमको ना समझ में नहीं आएगा, इसको फैशन सेंस बोलते हैं, तो तुमने पल्ले नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा ड्रेस है निम्की, अब चले बाहर, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे रुको भाई, हमको अपना चश्मा लेने दो पहले। निम्की तुम रुको ना, ओ मिनट। दीदी पकड़, क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हमरा कमर, हम बोले थे ना आराम करने के लिए, मगर कोई हमरा बात सुनता है का? हम बाम लेके आते हैं। ए मुगा, हाँ। रुको, बाम का दर्द नहीं है, बाम से ही दर्द नहीं जाएगा। ए मनु, वो शंकरवा का दुकान है ना, हुए पे जानकी दाई का घर है, जाके बुला के ला तो। दाई? ए दाई को काहे बुला रही हो? बेटा ये अलग दर्द है ना। हाँ ए मनु जाओ ना। हाँ जाओ जाओ। अच्छा सुनो, तुम लोग ना इसका ख्याल रखो, हम बाहर सिचुएशन मामला सारा संभालते हैं। निम्की तुम ख्याल रखो अपना। हाँ, बाहर सब कुछ आके बोल दो, जाने के लिए कोई पत्रकार सम्मेलन नहीं होगा आज। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको भाई, सबको चना चूर खिलाओ, तब तक हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ। आराम से बेटा। हाँ। पत्रकार सबको कहला बुलाई है उछौड़ी? वो तो पता नहीं मालकिन, मगर उस सुधीरवा बता रहा था कि पटना से भी पत्रकार बुलाई है। क्या क्या बात कर रहे, मतलब बड़का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? सासू जी हम कहे थे ना, इनीम की यार ड्रामा सब करने में कम नहीं है। हाँ, और अभी वैसे इतना आसानी से हम सब लोगों को छोड़ेगी नहीं। हूँ छोड़िए ना, कहा कर लेगी वो, अपना रोना रोएगी, दुख भरा कहानी सुनाएगी बस। अम्मा तू चिंता मत कर, कुछ हो नहीं होगा, बुला लेने दे उसको, पत्रकार लोग को, कल हम भी बुला लेंगे, हिसाब बराबर कर लेंगे बस। ए साले साहब, नहीं भाई, मामला गंभीर है, पता नहीं कहा बोलेगी, मुंह खोलेगी, कुछ समझे में नहीं आ रहा। आई तुम्हारे बाबूजी कहाँ रे, यहाँ इतना बड़का बात हो रहा है, वो कहाँ है? मालकिन वो ब्लॉक पर गए हैं, मातो बाबू से मिलने। हाँ वो ठीक है, हम संभाल लेंगे सासू जी, जरा एक बार मामला थोड़ा समझ में आ जाए। आप समझते रहिएगा, और हुआ निम्की उसको जो बोलना है बोल देगी। वैसे क्या कहेगी, यही ना कि उसके पेट में जो बच्चा है वो देवर जी का है। भाभी तू क्या कहेगी, वो वीडियो का है, ये लिए बुलाई है वो सब पत्रकार को। ठीक कह रही है गजवा वाली, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं। ससुर जी को फोन लगा थे। फोन कहाँ गया? कमरे में होगा। आपकी निम्की प्रेस वालों को बुलाई है, पता नहीं क्या करने वाली है। आप
तो उसको जानती है ना अच्छे से, क्या कर सकती है। एक बात तो मानना पड़ेगा, निमकिया है बहुत रार, हार नहीं मानने वाली है ना। अब पता चला आपको? नहीं, पता तो है। हमारे कहने का मतलब ये है स्वीटी जी, कि हम आदमी को देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है, कौन सा परिस्थिति में क्या करेगा। अगर ये निमकिया सच में, अजीब है, मानना पड़ेगा। ले लीजिए। आप हमसे हमारा फोन छीन लिए हैं और अपना दे रहे हैं, काहे? लगाइए ना उसको फोन, निमकी को लगाइए, कहिए उससे कि ना करे। हम बैठ कर बात करते हैं ना उससे, पत्रकार लोग से बात करके क्या फायदा होगा, क्या कहेगी। पेट में बच्चा लेके घूम रही है स्वीटी जी, बदनामी ही होगा ना, अरे पूरा समाज थू थू करेगा। जितना थू थू करना था ना लोगों को, वो कर लिए, अब वही थूक आप सबके चेहरे पर गिरेगा ऋतुराज जी। आप आदमी देखकर पता लगा लेते हैं कि वो क्या करने वाला है, तो आप ही कैसे समझ लिए कि हम निमकी को फोन करेंगे। स्वीटी जी, आपके परिवार का बदनामी होगा, समझने का कोशिश कीजिए ना। है हमारे परिवार का इज्जत था ही कब जो अब लुट जाएगा। निमकी जो कर रही है एकदम सही कर रही है। स्वीटी जी, अभी गुस्सा भूल जाइए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए ना। अरे इसमें सबका बर्बादी ही होगा ना। लीजिए ना निमकिया को फोन लगाइए, उसको बोलिए पत्रकार लोग को वापस भेज दे। स्वीटी जी, ये जो कीचड़ होता है ना, जब उछलता है तो देखकर नहीं उछलता कि किसके ऊपर गिरेगा किसके ऊपर नहीं गिरेगा। अभी समय है। ऋतुराज जी, हम नहीं जानते आगे क्या होगा, मगर एक बात है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये हवेली का इज्जत का धज्जी उड़ जाएगा। निमकी ना आप सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी, किसी को सकल दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप। ये बात लिख लीजिए। भाई इतना सीरियस फेस बना के का चेक कर रही हो, थोड़ा स्माइल करो, नहीं तो हमको टेंशन हो जाएगा। एक मिनट दीदी, थोड़ा देर चुप बैठो ना। अरे हम लोग अंदर आ सकते हैं का? बाहर रुक। अरे आने दो भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, लोग सब आ गया है का? हाँ निमकी, सब पत्रकार लोग आ गया है, मुंगेरे चाबी सबको बैठा कर गए हैं। देखो तुमको जो भी करना है जल्दी करना, हमको पत्रकार सम्मेलन में जाना है, समझती हो पत्रकार सम्मेलन का होता है। नबस तो ठीक चल रहा है, ये हालत में पीठ में दर्द तो होवे करता है, पानी ज्यादा पीना होगा, थोड़ा मालिश कराने का जरूरत है। मालिश? हाँ हम कर देंगे। महुआ, ई मालिश जो है ना बहुत संभाल के करना पड़ता है, तुमसे नहीं होगा। ए जानकी, तुम ना रोज आके निमकी का मालिश कर दिया करो।
ठीक है। हाँ। देवा गजब, अब करोगी ही तो फिर थोड़ा सा हमारा गर्दन और हाथ भी दबा दिया करना। दीदी ये तुम्हारा बूटी सलून नहीं है। अच्छा ठीक है, जरा उठते। तुम सुनी नहीं का, सब लोग आ गया है, चना चूर बिस्किट सब खत्म कर डालेंगे वो लोग। तुम रिपोर्टर लोग को नहीं जानती होगा चाची, काटो ने सही बोल रहे ना हम। हाँ वो तो पूरा का पूरा पैकेट ठुस गया मुंह में। मगर निम्की तुम ठीक तो हो ना? ए जानकी चाची ये ठीक है ना? मतलब थोड़ा आराम का जरूरत है। सुनी तुम अब यहाँ पे एकदम चुपचाप लेटी रहो, तुमने बाहर जाके सब पत्रकार लोगों को वापस भेज दो, दीदी नहीं जाएगी। ए महुआ यही तो टाइम है बोलने का, और एक्टिंग भी रियल निकलेगा। ए मुन लग रहे ना हम बीमार। हाँ दीदी देख कर रहे हो, उठाओ। अरे उठाओ निम्की। दीदी देखो बातें नहीं सुनती है। देखो भाई हम प्रेग्नेंट हैं, जरा हमारा ख्याल रखा करो तुम लोग। जाओ हम आते हैं। ए साले साहब तो जा रहे थे वहाँ घाट तोला निम्की को रोकने, वो तो हम रोक ली। हाँ हाँ ससुर जी। अरे वो है कहाँ, बुलाइए ना उनको यहाँ। गुछौड़ी अपने गाँव में पता ना का तमाशा करने वाली है, और का ताड़ के पेड़ पर जाके बैठ गए हैं। हाँ हाँ आ रहे हैं ससुर जी। भैया हम तो कहते जाकर रोक देते सम्मेलन, पीट पीट के भगा देंगे वो रिपोर्टर लोग को। कल का अखबार में आपका भी फोटो छप जाएगा, हवालात का हवा खाना है, बैठिए चुपचाप। उछौड़ी जो हुआ तमाशा करने वाली है, पता ना कहाँ का बोलेगी सबको। सुने ना स्वीटिया का बोली। अम्मा हम तो कहते हैं छोड़, हो जाने दे ये सब, अब वो जैसा कर रही है ना हमारे साथ हम भी वैसा ही करेंगे। रेखा अरे जरा टीवी चला तो। ए लीजिए यहाँ सबका हवा टाइट है और आपको टीवी देखने का सूझ रहा है। अरे हमको फोन आया हमारे को ग्राहक का, वो कह रहा है कि निम्की आ रही है टीवी पे। का? अरे देखिए मतलब खेला शुरू हो गया। हाँ ए डब्लू जी अच्छा अच्छा सब बात छूट गया होगा ना। ए नंदोई जी हम कह रहे ससुर जी को फोन लगा के बता दीजिए ना, वो जहाँ पे भी होंगे रास्ता में देख लेंगे बैठ के। तुमको बहुत मजा आ रहा है सब बात। अरे हम बोल रहे थे कि अच्छा होगा ना ससुर जी भी देख लेंगे तो फिर वो हिसाब से जो करना है कर लेंगे। का देवर जी अरे तुम चैनल तो ठीक लगाओ। गलती से भूल हो गया, ये लीजिए। मुखिया निम्की ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है गांव के बीच, वो लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहती है। आप देख सकते हैं कि गांव के चारों तरफ लोग खड़े हुए निम्की मुखिया की बात सुनने के लिए। हेलो ए सिद्धुरवा, ए कहाँ है रे तू है? अरे हाथ ऊपर करना, हम लाइव देख रहे हैं टीवी में। सुधीरवा को देखना है, इतना ही शौक था खुद कहीं नहीं चला गया। सही बोल रहे भैया आप, बेकार है हम सुधीरवा को भेज दिए, हम खुद चले गए होते ना तो टेलीविजन पे हम आते। मिस हो गया भैया, हम आपके साथ हैं भैया। नमकीन कुमारी उर्फ निम्की मुखिया, वही निम्की जी जिन्होंने कुछ महीने पहले अपने पति बब्बू सिंह पे बलात्कार का आरोप लगाया था। जीजा जी अभी लड़की हम लोग के खिलाफ पत्रकार लोग को बोलेगी और हम यहाँ बैठ कर देखें चुपचाप। नहीं चल डायमंड। साले साहब क्या कर रहे हैं जी, जाके क्या कीजिएगा है? वहां पत्रकार लोग के सामने जाके मारपीट कीजिएगा। लाइव चल रहा है अभी, लाइव भी आ जाइएगा। तो का चूड़ी पहनकर बैठ जाए भैया। देवर जी ये बात याद मत दिलाइए, वैसे भी चूड़ी का निशान तो डाल ही दिया निम्की देवर जी के हाथ पे।